हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमल की रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू के लच्छा पकोड़े। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिनको मैंने छील लिया और साफ पानी से धो लिया है। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। हम अपने आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, जो सबसे मोटे वाला ग्रेटर हो उससे हमें इसे ग्रेट करना है। मैंने तीनों आलुओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको साफ पानी में 2 बार धोएंगे, क्योंकि आलू के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, ताकि वो अच्छे से निकल जाए। हम इनको अच्छे से धो लेंगे। हम इसे 2 बार धोएंगे पानी में, ताकि जो स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए और हमारे जो पकोड़े हैं वो बड़े करारे और कुरकुरे बने। एक बार हम धो चुके हैं, अब हम इन्हें दोबारा पानी में धोएंगे। अब हम इनको अच्छे से हाथ से निचोड़ कर निकाल लेंगे कि इनमें पानी ना रहे। हमारे 3 आलू थे, तो हम 3 आलू के हिसाब से 3 चम्मच इसके अंदर बेसन डाल देंगे। के मसालों में हम डाल लेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू में ही ऑटोमेटिकली बहुत पानी होता है और हमें इन्हें हाथों से मिलाना है, ताकि जो आलू है वो थोड़े से नरम पड़ जाए। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च और एक कटी हुई प्याज और मिला लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां गोले बना लेंगे, जितने बड़े आपको बनाने हो पकोड़े उतने बड़े, क्योंकि बिना गोला बनाए बनाएंगे तो कहीं से ऐसे कोने से निकलेंगे। तो इस तरीके से हम गोले बना लेंगे। हमने सारे बैटर की गोले से बना के रख लिए। अगर मेहमान बाद में आ रहे हो, आपको पहले तैयारी करके रखनी हो, तो आप ऐसे करके इनको फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपके घर पे मेहमान आए तो आप उनको तल के दे सकते हैं। तो चलो इनको फ्राई करते हैं। हम एक कढ़ाई में तेल, हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने ये पकौड़े डाल देंगे। हमारे पकोड़े हल्के से सिक गए हैं, तो अब हम इनको छेड़ लेंगे, ताकि टूटेंगे नहीं अब। और हमने हमारी जो गैस है वो मीडियम रखी हुई है, फुल गैस पर नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें मंदी गैस पे ही पकाना है, ताकि अंदर तक गल जाएं अच्छे से और ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो जाएं। हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इनको गैस ऑफ करके निकाल लेंगे किसी प्लेट में। हमारे जो आलू के लच्छे पकोड़े हैं ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ बीच से। ये ऊपर से बड़े ही क्रंची हैं और अंदर से बड़े ही सॉफ्ट हैं, तो आप इसे शाम की चाय के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।